ये माननीय उच्च न्यायालय ने के चीफ जस्टिस ने सो मोटो पीआईएल ट्रीट किया, जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बहस किया। एफआईआर जो हुई है उस पीआईएल में जो ऑर्डर है उसके तहत हुई है। उसमें एसआईटी का जो गठन हुआ था, हमारा विरोध ये था कि उसमें केवल पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी थे। मेरा पक्ष ये था माननीय न्यायालय में कि उसमें एक पूर्व जज होना चाहिए, जिसको माननीय न्यायालय ने उसको मान लिया और एक पूर्व जज को एसआईटी में रखा। दूसरा ये था कि हमारे अधिवक्ताओं पर एकतरफा कार्रवाई हो रही, जिस पर माननीय न्यायालय ने एसआईटी की जो नई टीम गठित किया उसमें बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट आएगी 15 तारीख को, तब तक अधिवक्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह भी आदेश है। और यह आदेश था, हम लोगों का जो मानना था कि हमारी एफआईआर नहीं हो रही लेकिन पुलिस की एफआईआर हमारे अधिवक्ताओं पर एकतरफा थी। माननीय न्यायालय ने एसपी हापुड़ को आदेशित किया कि अधिवक्ताओं की जो एप्लीकेशन है उस पर एफआईआर लाज हो और विवेचना हो। आज पहली उस ऑर्डर के कंप्लायंस में एसपी हापुड़ ने हमारे अधिवक्ताओं की एफआईआर लाज कर ली है। 15 तारीख को जो रिपोर्ट आएगी उस पर जो अन्य बातें रह गई या जो हम देखने के बाद रिपोर्ट हम लोग समझेंगे उसका और विरोध करेंगे, उसका माननीय न्यायालय में पक्ष रखेंगे। हापुड़ बार एसोसिएशन के साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, रहेगी, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हापुड़ बार एसोसिएशन के साथ हैं और माननीय न्यायालय में पीआईएल पर बहस करेंगे हम। Also duly registered and investigated as per